हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग विथ मी में। तो आज मैं बाय फेस वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दिन से मेरी मिसेस मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप बाय फेस वीडियो बनाइए, मतलब यूट्यूब के सामने आकर वीडियो बनाइए। और मैं भी फील कर रहा था कि काफ़ी दिन से ऐसा ऐसा करके अपने जितने भी हमारे जो देखने वाले जो लोग हैं वो हमें पहचाने और जाने, इस वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया है। और आगे से शायद मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह से ही वीडियो बनाऊँ मैं। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए हुए हैं हिंदवेयर वाटर प्योरीफायर का रिव्यू देने के लिए, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। आज कोई अनबॉक्सिंग नहीं कर रहे हैं हम, आज बेसिकली मैं यही बना रहा हूँ, आपका हिंदवेयर वाटर प्योरीफायर का एक रिव्यू दे रहा हूँ। उसके कुछ नोट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने नोट किए हैं, उसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता चलूँगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोडक्ट किस तरह का है। तो आज कोई अनबॉक्सिंग नहीं है, आज एक रिव्यू मिल रहा है, सो देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं इसे। तो ये जो प्रोडक्ट है, करीब एक साल पहले मैंने इसे आपके फ्लिपकार्ट से मंगाया था, और इसे ऑलमोस्ट एक साल हो गया है मुझे, 10 महीने के आसपास हो गया है। लास्ट ईयर 31 दिसंबर को मैंने अपने जिम में इसे इंस्टॉल किया था, और अभी ऑलमोस्ट इसको 9 महीने पूरे हो चुके हैं। तो इस तरह से 9 महीने का ये ओवरऑल एक्सप्लेनेशन रिव्यू बना रहा हूँ मैं, कि पूरा डिटेल इसमें आपको मिल जाएगा। 9 महीने मैंने इसे यूटिलाइज़ किया है, और अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस प्रोडक्ट के साथ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ये प्रोडक्ट। इसके जो कुछ एडवांटेजेस हैं पहले मैं वो बताता चलता हूँ आपको। सबसे पहला एडवांटेज जो इसका है वो है ये सस्ता, चीप। यस, ये सस्ता प्रोडक्ट है। ये इससे सस्ता अभी मार्केट सिनेरियो के हिसाब से आपको अवेलेबल नहीं है ओवरऑल देखा जाए तो, क्योंकि आपको 7,000 से 8,000 की रेंज में मिल जाता है। सबसे पहला एडवांटेज इसका यह है कि ये चीप है, सस्ता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ये गुड ब्रांड वैल्यू के साथ आता है। इसकी ब्रांड वैल्यू है हिंदवेयर। हिंदवेयर एक अच्छा ब्रांड है, और इस वजह से आपको आप कह सकते हैं कि एक ब्रांड वैल्यू आपको मिलती है इस प्रोडक्ट के साथ में। जी हाँ, ये दूसरा इसका एडवांटेज हो गया। इसके साथ तीसरा एडवांटेज आपको मिलता है, 7 लीटर की इसकी स्टोरेज होती है। जो पानी की स्टोरेज है वो 7 लीटर की है। साथ ही इसमें RO, UV और UF मिलता है आपको, और साथ ही 6 स्टेज प्योरीफिकेशन कंपनी क्लेम करती है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं इसके। RO, UV, UF एक साथ आपको मिल जाते हैं इस प्राइस रेंज में। 7 लीटर की स्टोरेज मिलती है और 6 स्टेज प्योरीफिकेशन मिलता है। तो ये तीसरा एडवांटेज हो गया इसका। साथ ही चौथा ऑप्शन आपको, चौथा एडवांटेज ये मिलता है कि अभी की जो मार्केट करंट सिनेरियो है उसमें ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि 7 से 8 हज़ार की रेंज में बहुत ज़्यादा प्योरीफायर आपको अवेलेबल नहीं है अच्छे ब्रांड वैल्यू के साथ में। तो ये उस तरह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ब्रांड वैल्यू प्रोवाइड करता है, साथ ही आपको काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिलता है। तो उस तरह से अभी के करंट मार्केट सिनेरियो में गुड ऑप्शन है ये। गुड ओवरऑल अच्छा ही प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है इस प्राइस रेंज में। पांचवा एडवांटेज आपको, इसमें एक LED इंडिकेटर मिलता है जो नॉर्मली हर प्योरीफायर में नहीं मिलेगा आपको। इसमें एक LED इंडिकेटर मिलता है जो इस प्राइस रेंज में मिलते हैं। LED इंडिकेटर तो मिलता है, पर इस प्राइस रेंज में चाहिए ना आपको। इस प्राइस रेंज में 7 से 8 हज़ार की रेंज में आपको LED इंडिकेटर मिलता है इसमें, और ये एक इसका एडवांटेज है। आगे इसी से एक डिसएडवांटेज भी बनता है, मैं आपको बताऊंगा। अभी एडवांटेज डिस्कस कर रहे हैं तो एडवांटेज के अंदर मैं इसको रख रहा हूँ। LED इंडिकेटर है जो कि पानी फिल होने का, पानी फिल हो रहा है, वाटर फुल हो चुका है, और इसमें लाइट और लाइट वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी बराबर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये भी इसमें बताता है। तो ये एक अच्छा एडवांटेज हो गया आपका। इस तरह से 5 एडवांटेज हो गए आपके। छठा, इसका गुड सर्विस। अच्छी ब्रांड की वजह से सर्विस भी अच्छी मिलती है आपको इसमें। अच्छी सर्विस मिलने से इन द सेंस कि आप कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं, कोई दिक्कत होती है तो आपको वो सोल्यूशन वो आके करके देते हैं। आपको कहीं कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ किसी तरह से कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इनका कस्टमर केयर सर्विस नंबर है, वहाँ आप कॉल कीजिए और अपना कंप्लेंट नोट कराइए, तो आपका सर्विस जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है वो सॉल्व करके दी जाएगी। तो ये इस तरह से 6 एडवांटेज होते हैं। ये जो छठवां पॉइंट है गुड सर्विस, ये इनका डिसएडवांटेज भी बनता है, तो मैं डिसएडवांटेज भी डिस्कस करता हूँ आपसे। तो इस तरह से 6 आपके इसमें एडवांटेज हो जाते हैं इस प्रोडक्ट के हिसाब से। तो कमेंट्स में मुझे पूछा गया था कि ये प्रोडक्ट किस तरह से है, तो ये प्रोडक्ट अभी तक मुझे जो एडवांटेज है, मैं इसके जो 9 महीने में मैंने नोटिस किए हैं वो मैं आपको डिस्कस कर दिया हूँ यहाँ पर। और साथ ही इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि अभी तक इसका फ़िल्टर चेंज नहीं हुआ है। 9 महीने मैंने इसे यूज़ कर लिया है और कंटिन्यूसली यूज़ होता है जिम में ये, और वो कमर्शियल जगह है, लगातार यूज़ होता है, फिर भी इसका फ़िल्टर अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये इसके एडवांटेज हो गए। अब डिसएडवांटेज, ऐसे कोई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज तो नहीं है, प्रोडक्ट ओवरऑल अच्छा है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है, पर नेट पिक है, कुछ पिक करने हैं मुझे तो इसलिए मैं पिक कर रहा हूँ। तो लास्ट पॉइंट था इसका एडवांटेज में गुड सर्विस। तो गुड सर्विस
की जगह इसे सर्विस बैड में भी गिना जा सकता है, क्योंकि कॉल करने से कस्टमर सर्विस आती है जरा, वहाँ से कोई ना कोई बंदा जरूर आएगा, आपका सोल्यूशन करके भी देगा, पर उसमें टाइम लगता है। 48 से 72 घंटे लेते हैं ये लोग, 96 घंटे भी लगता है कभी कभी, 4 से 5 दिन ले लेते हैं सर्विस को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो वो एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, बाकी आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन निकल जाता है आपके साथ जो दिक्कत हो रही है। तो इसमें एलईडी इंडिकेटर जो पॉइंट है वो भी एक डिसएडवांटेज बन जाता है, क्योंकि एलईडी इंडिकेटर 2 बार मेरा ख़राब हो चुका है, जो मेरे पास जो यूनिट है उस यूनिट में 2 बार एलईडी इंडिकेटर ख़राब हो चुका है, और दोनों बार में एक बार सॉल्यूशन उसका निकाले उन लोग, नया एलईडी इंडिकेटर लाके लगाए, लेकिन 1 महीना मुझे वेट करना पड़ा। अभी दूसरी बार जब ये बिगड़ा है उसके बाद से अभी तक इसका रिपेयर नहीं हुआ है, मैंने कस्टमर केयर में 4 से 5 बार कॉल किया है, अभी तक ये एलईडी इंडिकेटर इनके पास अवेलेबल नहीं हुआ है। जो मेरा लोकल एरिया है भिलाई छत्तीसगढ़, वहाँ पर ये अवेलेबल अभी तक नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये डिसएडवांटेज भी बन जाता है, तो इस तरह से 2 डिसएडवांटेज भी हो जाते हैं इसके। बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा है, काफ़ी हद तक इस प्राइस में इससे अच्छा प्रोडक्ट मिलना मुश्किल है। तो इसका रिव्यू मैंने इस तरह से बनाया है, अगर आपको ठीक लगता है तो प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा आपको। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 9-10 महीने से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और मुझे अच्छा ही फील हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है प्रोडक्ट के साथ में, पानी वानी का कोई इशू नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, और कमर्शियली यूज़ कर रहा हूँ तो उस तरह से प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये रिव्यू इसका बना दिया है, अब आप अपने हिसाब से इसे परचेज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आगे से वीडियोज़ कुछ इस तरह से ही आएंगी, मैं अपना फेस के साथ ही बात करूँगा आपके साथ, तो देखते रहिए, इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी, तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।